हेलो फैमिली, सो फाइनली मैं देख पाया दमन मूवी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले तो जितने लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस किए हैं, यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स किए हैं, कुछ लोगों ने तो मेल्स भी किए हैं, उन सबको थैंक्स कहना चाहूंगा। लेकिन साथ में एक टास्क देना चाहता हूं जो हमने कार्तिकेय 2 में भी दिया था। ये जो मूवी है दमन, वो पैन इंडिया रिलीज होनी चाहिए अलग अलग लैंग्वेजेस में, ज्यादा शोज के साथ, क्योंकि ये डिजर्व करती है। लोगों के दिलों को छूने का, रिकॉर्ड्स बनाने का पोटेंशियल है इसमें, और इसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इस मैसेज को शेयर करना, मेकर्स को टैग करना, जहां पर भी जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप कर पाओ, हम भी पूरी कोशिश करेंगे उनसे कॉन्टेक्ट करने की। अब आते हैं मूवी पर। जैसे हमने शॉर्ट्स वाले वीडियो में बताया था कि ये मूवी ओडिया बायोग्राफिकल सोशल ड्रामा है, रियल इवेंट्स पर बेस्ड है। डॉक्टर ओमकार होटा ने 2015 से 2018 के बीच एक पॉसिबल मिशन के दौरान सैकड़ों लोगों की जानें बचाई थी। डॉक्टर ओमकार होटा उस रियल हीरो का नाम है जिनके इस नेक काम के आसपास ये मूवी बनी है। फिल्म के अंदर डॉक्टर का नाम है सिद्धार्थ, जिनका किरदार निभाया है बाबूशान मोहंती ने। सिद्धार्थ एमबीबीएस डॉक्टर है, जिनको उनकी किस्मत ओडिशा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में लेके आती है। किस्मत वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि कुछ इम्पॉसिबल टास्क ऐसे होते हैं जिसके लिए ऊपर वाला कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही चुनता है, क्योंकि वो काम ऐसे होते हैं जो सबके बस की बात नहीं होती है। सिद्धार्थ आके देखता है कि मैं तो जंगल के बीचों बीच हूँ, आसपास 151 गांव है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं है। ना मोबाइल नेटवर्क्स है, ना बिजली है, ना रोड्स है, ना अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है। अब आप बताओ, कोई ऐसी जगह पर क्यों काम करना चाहेगा एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद सिद्धार्थ डिसाइड करता है कि मैं यहीं पर रहूंगा। एग्जैक्टली क्या होता है ये आपको मूवी में देखना है। लेकिन मोटा मोटी बात करें तो यहाँ पर लोग मलेरिया से जूझ रहे हैं। सिद्ध डिसाइड करता है कि मैं इनको ठीक करूंगा, मैं इनकी जान बचाऊंगा, मैं अपना काम करूंगा। लेकिन ये इतना आसान टास्क नहीं था, खास करके एक आदमी के सोचने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि सामने 151 गांव के बीमार लोग हैं, वो भी मलेरिया से पीड़ित। फिर भी वो डॉक्टर हार नहीं मानता है और शुरू करता है एक इम्पॉसिबल मिशन। क्या था वो मिशन, ये देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी और देखनी चाहिए। उस डॉक्टर ने अपने काम को किस डेडिकेशन के साथ किया था, क्यों किया था, कैसे किया था, ये देख के आपकी आंख में आंसू आ सकते हैं। और ये सब कुछ एक टाइम पर रियल में भी हुआ था, ये सोच के आपको दुख भी हो सकता है। एक सीन है मूवी के अंदर जिसको आप कभी भूल नहीं पाओगे। एक प्रेग्नेंट लेडी लेबर पेन में होती है, जिसको उठाने के लिए डॉक्टर के पास स्ट्रेचर तक नहीं है, लेकिन अपना हीरो वो डॉक्टर जो काम करता है उसे देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वैसी सिचुएशन रियल में भी हुई थी जब डॉक्टर ओमकार होटा ने वो कमाल करके दिखाया था। मूवी का प्रेजेंटेशन बहुत ही नीट एंड क्लीन है, मूवी का बजट लो है, लेकिन मूवी की कहानी और बाबूशान मोहंती की एक्टिंग मूवी के स्ट्रॉन्ग पिलर्स है। जनता के दिलों को छूने के लिए, एक अच्छी पिक्चर बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि मूवी का बजट करोड़ों रुपए हो, जिसमें बहुत ज्यादा VFX हो, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज की गई हो। ये फिर एक बार साबित हो गया। ये मूवी रियल लोकेशंस पर शूट हुई है, ऑलमोस्ट सब कुछ रॉ रखा गया है। सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है, इसलिए आप मूवी से बहुत ही जल्दी और बहुत ही स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो जाओगे। सिनेमेटोग्राफी प्रताप रावत की है, जिनके काम को मैं पर्सनली जानता हूं कि वो किस लेवल के सिनेमेटोग्राफर है, क्योंकि वो गुजराती मूवीज के अंदर भी काम कर चुके हैं। मूवी का डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और BGM भी अच्छा है, जो ऑडियंस को पकड़ कर रखता है। करीबन 2 घंटे की मूवी है, मूवी के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है जो स्ट्रेच किया गया हो या फिर आपको बोर करेगा। इस मूवी को लेकर एक बहुत बड़ा दुख है, ये मूवी हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस में भी बड़े स्केल पर रिलीज होनी चाहिए थी। देश के ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवी तक पहुंच पाए, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थी। अरे अब तक भले ही ना हुई हो, अब होनी चाहिए। अगर इस वीडियो को मेकर्स देख रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है, अलग अलग लैंग्वेजेस में इस मूवी को रिलीज करो, जनता तरस रही है ऐसी मूवीज को देखने के लिए। दमन मूवी का जो मैसेज है वो भी इंसानियत की मिसाल है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। और जस्टेकर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस मूवी को हो सके उतना ज्यादा सपोर्ट करना, ताकि फ्यूचर में हमको ऐसी और क्वालिटी फिल्म्स मिले, डिजर्विंग मेकर्स को एप्रिसिएशन मिले, डॉक्टर ओमकार होटा जैसे रियल हीरोज के ऊपर और फिल्म्स बने। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना। अगर आप इस वीडियो को अपने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वैसा का वैसा भी अपलोड कर दोगे, तब भी हमारी तरफ से आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। एक अच्छी क्वालिटी फिल्म के सपोर्ट में हमारी तरफ से ये एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा हम पूरी कोशिश करेंगे इस मूवी के मेकर से बात करने की, ताकि इस मूवी के रिगार्डिंग और इंफॉर्मेशन आप तक ला पाए। अगर आपने मूवी देख लिया तो आपके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बता देना। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।